नहीं तो तोड़ने की क्या जरूरत थी? हमें तो ऐसे ही ठीक से बैठे हुए हैं, क्यों तोड़ के क्या मारी गली को? नहीं बनवानी थी तो क्यों तोड़ी? हम ऐसे ही ठीक है, जल्दी मारी मुर्दाबाद, सुरेंद्र शर्मा मुर्दाबाद, सुरेंद्र शर्मा मुर्दाबाद, सुरेंद्र शर्मा हाय हाय, मदन चौहान हाय हाय, मदन चौहान हाय हाय, जो भी बंदा हमारी गली बनवाएगा कैंडिडेटर उसे तो हम वोट देंगे। मैं वोट चाहते पूरी गली से, अगर वो वोट लेना चाहते हैं, मैं सुरेंद्र शर्मा का जितवाया था बेटा तू जीतेगा, और वो जीता। अब वो गद्दारी कर रहे, उसके घर में जाते वो बात नहीं सुनता, वो ताला मार के भाग जाता है, कहता अब मैंने तो रिजाइन दे दिया, रिजाइन कर दिया है, अब नोटो की टैक्सी अपने घर में रख ली है, अब रिजाइन दे गए हो, क्यों जागो? आओ हमारे यहाँ पे देखेंगे तुम्हारे को। भाई जनता पार्टी बिल्कुल बीजेपी के लिए वोट नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी बीजेपी के लिए वोट नहीं है। अब और परेशान होंगे और रोए पीटेंगे इनको, देखो कोई अकल वाली बात है? नहीं बनवानी थी तो ना दौड़ते, मोदी की कोई गलती नहीं, हम सारी जनता मोदी के साथ है। मोदी साहब जिंदाबाद, मोदी साहब जिंदाबाद, जो नीचे इन्होंने अपने चमचे मुर्दाबाद, नीचे चमचे मुर्दाबाद। अगर इन्होंने नहीं, अगर इन्होंने चाहे ना, रातों रात मैंने सड़कें बनती देखी है, अब ये हमारी गली भी बन सकती है, ऐसी बात नहीं है। जल्दी से जल्दी हमारी सड़क बने, अगर इन्होंने वोट लेनी है तो वोट होगी उसकी जो हमारी बात सुनेगा। इतनी देर किसकी टकबानी टूटती, दो चारों की इतनी देर हम नहीं बना, हम उससे ही देंगे जो हमारी सुनेगा। ये मीडिया के चलते सबके पास ये खबर जा रही है, क्योंकि ये हमारी मीडिया एक ऐसा शख्स है जो सबको सबकी सच्चाई बताते हैं, उनमें कोई हेर फेर खोल खोल के सच्चाई बता रहे हैं। जो भी हमारी वीडियो देखते हैं, हम सबसे अपील करते हैं ये आगे से आगे शेयर करें, वोट हम उसे ही देंगे जो हमारी गरीबों की सुनवाई करे। थैंक यू। फिर हम लगता है 10 नंबर वार्ड की जनता ने बीजेपी को वोट नहीं दिया, जो आज उनका ऐसा हशर हो रहा है। अब यमुनानगर के वार्ड नंबर 10 में आने वाले चुनावों में कोई भी वोट मांगने के अधिकार से आएगा तो जनता सीधा सरकार को एक बड़ी चुनौती दे रही है कि सोच समझकर वार्ड नंबर 10 में वोट मांगने के लिए आए, नहीं तो आने वाले समय में उनका जो भी हाल होगा उसके जिम्मेवार वो खुद होंगे। तो यमुनानगर के वार्ड नंबर 10 एक बार फिर से आजाद नगर की गली नंबर 8 में पहुंच चुकी हूं, और पार्षद जी अगर हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज आपके वार्ड की जनता कितनी परेशानियों से जूझ रही है, एक बार जनता के बीच में उतरकर उनका हाल देखें, उनकी समस्याएं देखें। जो हाल इनका हो रहा है दोस्तों, तस्वीरें देखकर आप लोग हैरान हो जाएंगे। तो एक बार फिर से यमुनानगर के वार्ड नंबर 10 की जनता परेशानियों के चलते यमुनानगर सिटी न्यूज पर लाइव जुड़ चुकी है। दोस्तों लोगों का कहना है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो बढ़िया है लेकिन वार्ड के अंदर नहीं, बीजेपी झूठी है, इसलिए इस बीजेपी का कोई भी एमसी बनने के लिए हमारी गली में वोट मांगने ना आए, उससे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है। बैठे पार्षद नरेंद्र मोदी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की छवि को खराब कर रहे हैं। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये वो तमाम महिलाएं हैं जिनके अंदर आज रोष देखने को मिल रहा है। सुरेंद्र शर्मा के पास जाते हैं तो अंदर से कोई और ही आता है, यहाँ तक कि वोट मांगने से पहले तो गली में 10-10 चक्कर लगाए गए थे, बहुत बड़े बड़े वादे किए गए थे, लेकिन आज तक एक ऐसा वादा नहीं जिसके ऊपर सुरेंद्र शर्मा अमल उतरते नजर आए। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, बहुत सी महिलाएं यहां जुड़ी हैं जो अपनी परेशानियां आप लोगों के साथ साझा करना चाहती हैं। मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट रहने वाली है कि आप लोग इस वीडियो को भी साथ के साथ शेयर करें, और यमुनानगर के जिस जिस वार्ड में जो समस्या आ रही है अपना कॉन्टेक्ट नंबर हमारे कमेंट बॉक्स में डालें, ताकि हम आप लोगों की समस्याएं भी ऐसे उजागर करें जैसे वार्ड नंबर 10 की करते नजर आ रही है। तो माता जी क्या नाम है आपका? हाँ जी, मेरा उषा रानी जी। उषा जी कितने साल हो गए यहाँ रहते? हाँ जी, 28 साल हो गया। क्या समस्या आ रही है? समस्या आ रही है जी, पहले तो सड़कें नहीं बनाते थे, अब सड़कें तोड़ के चले गए हैं, सारा तोड़ फोड़ करके चले गए हैं, हम सबको खराब कर दिया, मिट्टी मिट्टी हो रही है और बनवाने का नाम ही नहीं ले रहे। जब इन्होंने वोट लेनी होती थी तब हमारे पैरों को छू रहे थे, अब पानी भी इतना गंदा रहा, जनता बीमार हो रही है, इनको इतनी समझ नहीं आती है, अपने घर में तो साफ पानी लेके जा रहे हैं, हम लोगों को गंदा पानी दे रहे हैं। कम से कम पानी की समस्या हल करो और हमारी सड़क बनवाओ,
बोलो मोदी जनता पार्टी जी। हाँ मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मेयर चौहान, मुर्दाबाद मेयर चौहान, मुर्दाबाद मेयर चौहान, मुर्दाबाद मेयर चौहान, मुर्दाबाद। देखो जी जल्दी मुर्दाबाद, जो हमें तो ये अब जो वोटा मांगने के लिए हमारे पास आएंगे तो कभी उम्मीद मत रखना कि हम लोग आपको वोट डालेंगे, चाहे हमें कोई को वोट नहीं, बीजेपी को वोट नहीं, बीजेपी को वोट नहीं, बीजेपी को वोट नहीं। और क्या समस्या आ रही है वोट की? यहाँ ये देखने के लिए कोई नहीं आता कि एक यहाँ पे गरीब लोग रहते हैं, गरीब लोगों का मतलब आप जानते हो, गरीब लोग अगर ऐसे रेड़ी ठेले वाले भी जाते हैं उनका कितना बुरा हाल है, आप खुद देख सकते हो। इन सड़कों पे सिंपल चलना मुश्किल है, सिंपल चलना मुश्किल है, और जो रेड़ी ठेले वाले आते हैं उनके लिए कितना मुश्किल है, उन लोगों बेचारों की सब्जियां गिर जाती हैं, कैसे लोग उनकी सहायता करते हैं, ये कोई देखता नहीं है। इस सरकार में गरीबों की सुनवाई नहीं है, कुछ सुनवाई नहीं है इस गली में, तो बिल्कुल भी नहीं है। हमें पता है हम लोग एक दूसरे का कैसे सहारा चलते हैं, जो गरीब बुजुर्ग छड़ी लेके जैसे ये भैया खड़े हैं, ऐसे बहुत से बुजुर्ग चलते हैं और उनकी छड़ियां लेके चलने की भी हिम्मत नहीं हो पाती है, कैसे क्या करेंगे। सरकार तो दावा करती है कि गरीबों के हक के लिए वो लड़ाइयां लड़ रही है, कुछ नहीं, बीजेपी झूठी है, इसलिए इस बीजेपी का कोई भी एमसी बनने के लिए हमारी गली में वोट मांगने ना आए। उससे आप बताइए सुरेंद्र शर्मा को आखिरी बार कब देखा था यहाँ पर? यहाँ पे हाँ जी, जब ये शुरू हुई थी, अब कह रहे पास ही नहीं है जान नगर, जो पास नहीं था तो फिर क्यों तोड़ा है? ऐसा है जी, मैं आपको बताता हूँ, ये सारे इकट्ठे होकर मेयर साहब के पास गए थे, उन्होंने ये बहाना लगा दिया कि ये आपकी जो गली है ये अनऑथोराइज होगी, अगर अनऑथोराइज है तो इनकी वोटें मांगने क्यों आए थे, ये काम जो पाइप डाले हुए हैं क्यों डाले हैं, फिर ये सिर्फ आठ नंबर गली का हाल नहीं है, पूरे 10 नंबर वार्ड का हाल है। आप 9 नंबर में जाके देखो, सारा सीवरेज जाम पड़ा है, जेई को अभी मैं मौका दिखा के लाया हूँ, कल से काम शुरू होगा वहाँ पे, इतनी बुरी हालत है। चलिए और भी लोग यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हैं, मेरी बात सुनो, ये कह रहे हैं कि हमारे अंडर में नहीं है सड़कें, हमारे अंडर में गली नहीं है, अगर इन्होंने कूड़े के लिए पैसे लेने तो लेने आ जाते हैं, टैक्स लगाने होते हैं तो लेने आ जाते हैं, बिजली के बिल इतने इतने लेने आ जाते हैं, तो इनको ये अंडर में तब हो जाती है, अब अंडर में नहीं है, इनके टैक्स नहीं दे रहे, टैक्स दे रहे हैं, टैक्स भी तो दे रहे हैं, टैक्स लेते हैं अंडर में आते हैं, बिजली का बिल इतना ठोक ठोक के बेचते तो अंडर में आते हैं, अब अंडर के बिना सड़क हो गई है। सुरेंद्र शर्मा ने भी अपनी कोठी तैयार की, मेहर ने अपने बाहरले देश में कंपनी में जाके फैक्ट्रियां लगा ली, ये अपना अब भाग रहे इंटे लगा के ना अपनी फैक्ट्री तो का लिया है, इन्होंने कंपनी लगाई फैक्ट्री लगाई कि हमारा माल बिकेगा और पैसे हमारे बनेंगे, एक हाथ ने दोनों हाथ से खाते हैं। अच्छा सुनो, मिट्टी मार मारते मिट्टी मार मारते कहते हाँ मैडम बन जाएगी बन जाएगी, कब बन जाएगी? मैंने उस दिन कहा, मैं कंप्लेंट फोन कर रहा था, मैं मेरे को फोन दे दो जरा, मैंने फोन लिया, मैंने कहा लाठे के दार की मंजी ठोकती हूँ, लगा कहन जू का जी कोई बंदा मर गया, मैं 2 घंटे की बात है, मैं मेरे को ले चल चल ला निमटाती हूँ फैक्ट्री में इंटे बनाई जा रहा है, तो उसके बाद लगाने कल का मौका दे दो, मैं परसों का बिल नहीं आया तुझे नाले में खाच दूंगी, मैंने यार नहीं बनानी, एक तरफ से फाड़ के दूसरी तरफ से तब बनानी थी, नहीं बनानी अपनी माँ फाड़ी क्यों, मैंने यही कहा अपनी माँ ये फाड़ी क्यों, नहीं बनानी थी, मेरा पोता वहाँ गिर गया गड्ढे में तो उसकी सुनो उसकी टांग बांध टूट जा कुछ हो जाता तो उसका जिम्मेदार कौन होएगा, है इसका जिम्मेदार कौन होएगा, नहीं तो मैं सीएम विंडो में ठोकूंगी, मैं दूर तक खींचूंगी और वोट मांगने आएंगे तो जूते लगेंगे उल्टे। चलिए सबके सुनते हैं, यहाँ इनको पैसा सब कुछ मिला, मंजूर है गली, लेकिन ये अपना पेट भर रहे हैं, अपना पेट नहीं इनका भर रहा, सब कुछ मंजूर है, ये सारा पैसा खा गए, जो ये गली का पैसा मिला था ना वो सारा खा लिया, सारा खा लिया, मिट्टी हमारे दरवाजे के आगे बखेर गए। लोग देख सकते हैं दोस्तों, लोग किस कदर परेशान हो चुके हैं, तस्वीरें जी आप बताएं, नीचे गटर का और हमारे दरवाजे के आगे लैट्रिन लैट्रिन पड़ी वहाँ से, वो हमें मालूम है सारा, हमने देख रखा है हमने सारा, तस्वीरें आप देख सकते हैं। मैं एक बार आपको गली की तस्वीरें दिखाना चाहूंगी, अरे माता जी 2 मिनट दिखाने भी तो दो ना लोगों को, दिखाने दो क्या हालात है यहाँ के, तस्वीरें आप देख सकते हैं, गली को अनऑथराइज्ड बता दिया जाता है, हरियाणा सरकार को ये सारी जनता टैक्स पे कर रही है, लेकिन टैक्स पे करने के बावजूद उन सारी सुविधाओं से इन्हें वंचित रखा जा रहा है, जिन सुविधाओं का इन्हें लाभ मिलना चाहिए। दोनों तरफ से सड़कें जो है किस तरह से पुटवा दी जाती हैं, सड़कें आप देख सकते हैं उखाड़ दी जाती हैं, लेकिन अब जब समस्या का समाधान करने
की बारी आती है, सड़क बनाने की बारी आती है, तो उसके बाद इस गली को, इस वार्ड को अनऑथराइज्ड बता दिया जाता है। आखिरकार क्यों ऐसे लोगों का ऐसा हशर किया जा रहा है? वैसे तो सरकार दावा करती है कि सरकार 36 बिरादरियों के हक की बात करती है, गरीबों की लड़ाई लड़ती है। मदन चौहान नीचे भी आप लोगों से जाके देख सकते हो कि मिडिल क्लास फैमिलियां जैसे हमारे जैसे लोग नीचे पानी की इतनी किल्लत है कि गंदा पानी पी के कुछ लोग टाइम पास कर रहे हैं। गंदा पानी पी के आप ये देखो कि गंदा पानी पीना कैसे होता है, बिल्कुल बेकार। प्लीज हमारी ये रिक्वेस्ट है, समय में सुरेंद्र शर्मा जो आपकी इस खबर को देखेंगे उन्हें कुछ मैसेज देना चाहोगे? वोट के लिए दोबारा इलेक्शन आ रहे हैं भाई, ये हम आप सुरेंद्र शर्मा से ये अपील है कि अगर उसने ये काम नहीं करवाया तो हमारी गली में वोट मांगने आने की गलती ना करें। और अगर और बीजेपी का कैंडिडेट अगर आता है, बिल्कुल बीजेपी के लिए वोट नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल। जब जनता के लिए कोई काम नहीं है तो फिर मांगने का भी अधिकार नहीं है, क्योंकि जनता का अपना अधिकार है मांगने का। बनने से पहले क्या क्या वादे किए गए? बहुत वादे किए थे उन्होंने कि भाई राशन कार्ड भी, पेंशनें भी सारी जारी कर देंगे। लोग तड़प रहे हैं, कमेटी घर भी जा रहे हैं, ऑफिस भी जा रहे हैं, इसके घर भी चक्कर लगा के रहे, जनता की कोई सुनवाई नहीं है। तो ये सड़कों के हालात की वजह से क्या लगता है लोगों के साथ हादसे हो रहे हैं यहाँ पर? हादसे मैम हो रहे हैं। हाँ जी, क्या हादसे हो रहे हैं? कई बच्चे मतलब गिर गए, कई बुजुर्ग जो नहीं चल पाते हैं वो भी जमीन पर गिर गिर के उठा उठा के लेके आ रहे हैं लोग, और रेड़ियां भी पलट गई हैं इधर। सुनिए, आप लोगों ने बीजेपी को वोट नहीं डाला क्या? डाला है तभी, ये हमारी ईमानदारी है ना कि हमने तो ईमानदारी से उन्हें दिया है, पर वो उनकी ईमानदारी नहीं है कि वो काम करवाए हैं, उनकी ईमानदारी बिल्कुल भी नहीं है। वो तो लेके बैठ गए अपने घरों में। कहां तक चप्पलें घिसा चुके हैं आप लोग? कहां कहां तक मैम? हम कमिश्नर के पास भी, इधर कमेटी घर भी, इधर इनकी मीटिंग जा रही थी, मीटिंग में भी ये लोग इकट्ठे हुए, हमने सबको सुनवाई की, मतलब इन्होंने कोई सुनवाई नहीं की, हमारी कंप्लेन भी इन्होंने रद्द कर दी, जो कंप्लेन दी हमने वो भी रद्द कर दी। चलिए आप आगे आ जाएं, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ। चलिए आप बोलो, आप बोलो, इधर आए। हाँ जी, आप बताइए क्या आप लोग हरियाणा सरकार को टैक्स भी देते हैं? मैम सारा जो कहते हैं सरकार के अधीन है जो काम वो सारे पूरे करते हैं, लेकिन हमें कोई सहायता नहीं मिलती है। कमी कहाँ आ रही है कि जो सुविधाएं आपको भी मिलनी चाहिए वो आपको नहीं मिल रही? वो हमें मिल नहीं रही, हम एमसी के घर तीन कमी पहली तो ये उन्होंने सड़क बना तोड़वा दी है तो वो बनवाने नहीं दे रहेंगे। हम घर भी बोलकर आए हैं और पानी के लिए भी बोलकर आए हैं। मैं पानी के लिए भी बोलकर आई हूँ, स्पेशल हम 8-10 लेडीज गई थी तो हम ट्यूबवेल पे भी गए थे। ट्यूबवेल वालों ने कहा था कि जगह चाहिए हमारे को खोदने के लिए ना, और जगह चाहिए पार्क में, तो उनको हमने जाके बताया, उन्होंने हमारी कोई सुनवाई नहीं करी है जी, निकलता ही कोई नहीं हो। माता जी आखिरी में सरकार को, प्रशासन को कोई गुहार लगाना चाहोगे अपने वार्ड की समस्या को लेकर? कुछ कहना चाहोगे सरकार से? मोदी से बना दिता, मोदी सरकार ने जेडी अगे लेबर छोड़ी हुई है, एमसी बना दिते ने जिन्हां दुनिया का पता ही नहीं, एक बारी पैसा लेके अंदर कोठियां खड़ियां कर लिया, दूजे पिटदे रहो बैठ के, उन्हें बाहर फैक्ट्रिया ला लिया ने, मेयर ने उत्थे चल जाना, उन्हें इट्टा जड़ियां बनाईया फैक्ट्री च, वो लोगों दी सड़कां बना के सारा बर्बाद करके आप आबाद हो जाएगा। तोड़ तो दी, बना क्या लगता है इतना कुछ होने के बाद, मीडिया पर अपनी बात रखने के बाद क्या लगता है अब जाकर भी सुनवाई हो सकती है आपकी? क्या लगता है आप लोगों को? नहीं, हमें तो ये लगता है कि आप हमने आपके आगे फरियाद की है, आप हमारी फरियाद आगे पहुँचाए, बस हमारी आप हमें लगता है कि आप कोशिश कर रहे हैं, करवाएंगे नहीं करवा रहे हैं, उनको कुछ कहना चाहोगे आखिरी में? मोदी जी ने जो किया जनता के लिए अच्छा किया, लेकिन आगे के लोग बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहे। प्लीज हमारी रिक्वेस्ट है कि सब कुछ करें, पता तो है ना उनको क्या कर रहे हैं। सुनवाई करेंगे हम तो, आगे वोट भी देंगे और गली में बढ़ तो जाए, एंट्री भी कर सकते आगे तो गली में। मोदी जी थोड़ी ना यहाँ पर आएंगे, वोट तो बहुत ही है, असली राशन लेने जाने हैं, सालों अंदर अंगूठे नहीं लाए। घनश्याम दास ने कभी देखा जिधर? नहीं कोई कुमान वाला, आप आ जाओ एक बार इधर, आप लोग भी आ जाओ भैया। हां जी अंकल जी, गली में महिलाओं की तो सुन लिया, अब आप लोग भी बताओ क्या? देखो ये सारे तो परेशान है जी गली में, आपके सामने ही है देख लो,
बाकी वोट मांगने ना यहाँ आए कभी भी। अच्छा कोई आ गया, जो आ गया तो पहला सड़क बने, गली बनेगी, गली बनेगी पहला, वोट जब मिलेगी। हाँ वार्ड नंबर 10 और गली नंबर 8 एक बार फिर से सरकार के आगे गुहार लगाते नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तो तारीफ कर रहे हैं, लेकिन नीचे वार्ड के अंदर जो पार्षद आज बीजेपी के ही नारे सबका साथ सबके विकास की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं, उन्हीं के ऊपर आरोप लगते नजर आ रहे हैं कि ऐसे पार्षदों की वजह से ही बीजेपी पार्टी की आज छवि धूमिल हो रही है। इलेक्शनों की घड़ी तो नजदीक आने वाली है, लेकिन जो भी वार्ड नंबर 10 में जब जब वोट मांगने के अधिकार से आएगा तो वो सोच समझ कर अपना यहाँ पर कदम बढ़ाए, क्योंकि जनता ने मिलकर ठाना है जो पहले समस्या का समाधान कर दिखाएगा वही होगा बीजेपी का, यमुनानगर का वार्ड नंबर 10 का, चाहे किसी और पार्टी का भी पार्षद बनने के लायक। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं कितना रोष नजर आ रहा है, चपले घिसा चुके हैं, सुनवाई कहीं नहीं हो रही है, सड़कें खुदवा दी जाती हैं, लेकिन जो विकास की बारी आती है तो गलियों को अनऑथराइज्ड बता दिया जाता है। गरीब लोग हैं, सरकार को टैक्स पे कर रही है। तो आज की एक बड़ी अपडेट यमुना नगर के वार्ड नंबर 10 गली नंबर 8 से दिखाई है। मेरी आप लोगों से यही अपील रहने वाली है, इस खबर को शेयर करें और यमुनानगर के जिस वार्ड में जो जो समस्या आ रही है अपना कॉन्टैक्ट नंबर डालकर आप लोग हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप लोगों की समस्याएं भी हम हरियाणा सरकार तक ले जाने का काम करेंगे। तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो जर्नलिस्ट मनप्रीत के साथ यमुनानगर के आजाद नगर गली नंबर 8 से मनदीप कौर की रिपोर्ट।